अजीब औरत है यार, लगता है सुनने में ही प्रॉब्लम है। कहिए जी, आपकी कार अभी हाईवे पे और अभी अचानक यहाँ पे, सब आपकी कार की चाबी तो मेरे पास थी, आपने टो करके मंगवा ली क्या? ये बदतमीज औरत है यार, एक तो मैं इतनी दूर से कार की चाबी देने आया हूँ और बजाय कि मुझे थैंक्स बोले मेरे मुंह पे दरवाजा मार दिया। मुझे भी पागल कुत्ते ने काटा था जहां तक आ गया। सच में यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। पुष्पा, ये किताब मैंने सालों पहले पढ़ी थी और यहाँ ये मेरी इस छोटी सी लाइब्रेरी में कई किताबें ऐसी हैं जो मैं पढ़ना चाहता था, पढ़ ही नहीं पाया। पता क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार, ये घर, मेरी पूरी फैमिली हमेशा सबसे आगे रही और मेरा पैशन सबसे पीछे। समय आने पर जीत भी अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगा। आज मैच है उसका, अगर आप उसे आशीर्वाद दे देते तो उसका हौसला बढ़ जाता। बेबे, सत श्री अकाल जी। बेबे चलिया, मैं तेरी हूँ। अच्छा, वड्डी आई, बहुत अच्छे रिश्ते लेकर आई। हाँ, मैंने पता है तू लाचे आई होंगी। अच्छा देख, कितने अच्छे रिश्ते लाई मैं, देख तो, ये देख, देखो। तू तो बड़ी फास्ट हो गई है। अरे भाई, फास्ट तो होना ही पड़ेगा ना, जमाना कितना फास्ट है, इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट पे लड़के लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं और फिर रिश्ता भी पक्का कर लेते हैं और फिर रिश्ता तोड़ भी देते हैं। पहले दिन स्टेटस होता है सिंगल, दूसरे जाता है मैरिड, तीसरे दिन फिर सिंगल हो जाता है। इसलिए हम अपनी रानों के लिए देखभाल के परख के रिश्ता ढूंढेंगे। बिल्कुल ठीक कहा बेबे। रानो हमारी लाखों में एक है, तो उसके लिए लड़का भी लाखों में एक ही होना चाहिए। और ऐसे लड़के सिर्फ मेरी मैरिज ब्यूरो में होते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, बैठे। देखिए देखिए, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे रिश्ते हम सबको नहीं दिखाते, पर हीरे तो जोहरी को ही दिखाए जाते हैं ना।
ओए बलराज। जी बेबे। उधर जाके राणा को बुला के ला, उसे कहना मिसी चड्डा आई हुई है लड़कों की फोटो लेके। कोई सीधी सी बात है, लड़कों को तो उसी ने पसंद करना है ना। जी बेबे। क्या कुमार साहब? ये देखिए भाई साहब, आप भाटिया साहब को जानते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले? अरे भाई, जिनकी फोटो हमेशा अखबार में छपती है। हाँ, ये उनका बेटा है टीटू। 3000 गज की कोठियां की, 3000 गज की, बहुत अमीर है। इतने दिन बाद मैंने अपने लिए कुछ खरीदा है। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, लेकिन क्या फायदा, तेरे भैया तो मुझे कहीं बाहर लेके ही नहीं जाएंगे। इस टॉप का मैं क्या करूंगी। वैसे रानो सुन, मैं कुछ ज्यादा मोटी तो नहीं दिख रही इस टॉप में? नहीं नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं, आप ना फैंटास्टिक और परफेक्ट लग रही हो, और आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आपका 6 साल का मोंटी है। रानो, वो भी 6 साल का नहीं हुआ, वो तो सिर्फ 5 साल 6 महीने और 18 दिन का है। वैसे रानो, तुझे पता है फिगर मेंटेन करना बहुत मेहनत का काम है, और वो मेहनत सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, और वो भी शादी के बाद। ते मेरी माँ कहती है कि उम्र तो हम झूठ बोल के भी छुपा सकते हैं, फिगर फिगर नहीं छुपता। और तुझे पता है फिगर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आजकल के जो हस्बैंड होते हैं ना, इनकी नजर यहाँ वहाँ फिरते देर नहीं लगती। नहीं नहीं भाभी, बलराज पाजी ना बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो तो किसी और की तरफ देखते भी नहीं है। क्या हुआ? तू सही कह रही है रानू, तुम मुझे प्यार से नहीं देखते तो किसी और को क्या देखेंगे। हंस ले, हंस ले, और जोर से हंस ले। बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे, एक बार तेरी शादी हो जाने दे, फिर मैं देखूंगी। भाभी अब आप तो मेरी शादी की बात मत करो प्लीज। रानो, एक अकेले मेरे चुप हो जाने से सब लोग थोड़ी ना चुप हो जाएंगे। और वैसे भी तुझे पता है, जब किसी लड़की की शादी की बात शुरू होती है ना, तो उसकी शादी के बाद ही वो बात खत्म होती है। अच्छी तो रानो, वो मैं होए, किथे जा रही है सवारी ना सच के? इसका मतलब आपको कुछ भी याद नहीं? क्या है याद? अरे अब तुम रोने क्यों लग गई हो? तो मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज हम लोग बाहर डिनर के लिए जाने वाले हैं। लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों तैयार होगी? मैं तैयार नहीं हुई थी, बस ये टॉप ट्राई कर रही थी। वैसे मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना जी? बहुत प्यारी लग रही, बस अगर ये आंसू ना निकले ना तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगोगी। आप लोग कैरी ऑन कीजिए, मैं चलती हूँ। अरे रुक रुक रानो, अरे तुझे ही तो बुलाने के लिए आया था, चल नीचे बेबे वेट कर रही है। भाई साहब, टीटू नहीं पसंद तो छड़ो परे। भाई ये एल्बम देखिए, इसमें बड़े अच्छे रिश्ते हैं, मालदार भी हैं और खानदानी भी हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं। अरे बलराज, अरे तू तो रानो को बुलाने गया था ना? रानो? अरे अभी तो साथ ही थी, कहाँ चली गई? ओए रानो, उतर, वहां क्यों खड़ी है? आना नीचे। आजा जा पुत्र, आजा जा बेटा। रानो ये देख कितना हैंडसम है, डोले छोड़े नॉल, और हाइट 5 फीट 11 इंच और जूतों के साथ 6 फीट। ये देख देख, कपूर साहब का बेटा है, वो हीरो बनना चाहता है, और कपूर साहब इसके लिए फिल्म भी बनाएंगे। मैं तो कहती हूँ हीरो बनने से पहले रिश्ता तय कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर डेट ही ना मिले, है ना? बहन जी इसे तो आप हीरो बनने ही दीजिए, क्या है हम अपनी बच्ची के लिए थोड़ा संस्कारी पारिवारिक फैमिली टाइप का लड़का ढूंढ रहे हैं, फिल्म वाले तो नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ कि फिल्म वालों पे बिल्कुल भरोसा करना ही नहीं चाहिए, उनकी शादी टिकती कहाँ है?
फैमिली वाली लड़की है, फैमिली वाला लड़का ही होना चाहिए, और ऐसा लड़का मैं दिलाऊंगी आपको। हाँ ये कौन है? ये चंडीगढ़ का है, लवली कंस्ट्रक्शन के ओनर का बेटा, और ऑस्ट्रेलिया से आर्किटेक्ट करके आया है। कौन कौन है इसके घर में? अकेला है। हाँ जी? नहीं, मेरा मतलब है माँ बाप है, इकलौता बेटा है, ये रानो के लिए अच्छा रहेगा है? बाकी लड़कों में से ये ठीक लग रहा है मुझे। बेटा ये देख, आंटी जी मैं क्या करूंगी फोटो देख के? बेटा देखना। ओए शर्मा क्यों रही है रानो, पुत्र एक बार देख लेना। अरे देख लेना पुत्र, देख ले, चड्डा आंटी को याद करेगी, किसी फिल्मी हीरो से कम कंपेयर मत करना। हाँ बहुत डिसेंट है, सोबर है और मॉडर्न भी है, जैसे भाई साहब को चाहिए ना वैसे ही है लड़का। क्या बात है, आर्किटेक्ट? वो वैसे ही आर्किटेक्ट ना बड़े म्यूजियम टाइप के होते हैं, पर तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ओए तू भी तो म्यूजियम में रखने लायक है। ओए उसका मजाक क्यों उड़ा रहा है, लड़का सिलेक्ट करने में उसकी मदद कर। हाँ मैं बताऊं अपनी चॉइस? ऑफ कोर्स मैं अपनी चॉइस बताता हूँ। ओए तू टेंशन ना ले, वो मिस्टर सलूजिया तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच ढूंढेंगे। चुप कर, तेरा मैच है ना आज, तो अपने मैच पे ध्यान दे, मुझे नहीं करनी है शादी पादी। क्या हुआ इसे? ओए कुछ नहीं, शर्मा आ गई है बस, इतने लोगों के बीच में शादी की बात हो रही है ना इसलिए। लेकिन कुछ बोल गई नहीं गई है, अपनी पसंद तो बतानी चाहिए ना। वो बताएगी, मैं भी ना उसकी पसंद जान के ही रहूंगी। तैयारी हो गई तेरी? रानो कहाँ है यार तू, देख रही है सारा सामान मुझे खुद ही पैक करना पड़ रहा है, जल्दी कर, वहां जाके पहले वार्म अप भी करना है। क्या हुआ, तू इतनी चुप क्यों है, डर लग रहा है क्या? हाँ जी, तुझे तो पता है ना अंकल जी, पता नहीं उनको कैसे समझाओ। ओहो तू अंकल जी की चिंता मत कर, उन्हें कुछ नहीं समझाना, उन्हें ना मेरी बॉक्सिंग कभी समझ में आएगी भी नहीं, तो चिल कर। और तू क्यों डर रही है तानों से? वो ताने तो तब पड़ेंगे ना जब मैं हारूंगा, टेंशन मत ले, मैं किसी भी कीमत पे हारने वाला नहीं हूं। चल अब जल्दी से दांत दिखा अपने। हे वो क्या हो गया, वो तेरे होंठ किसी ने सिल दिए, ढंग से हंसना। ये हुई ना बात, ये कटोरी में क्या है? दही शक्कर, एक चम्मच खा ले फॉर गुड लक। दही शक्कर? तू कब से ये सब? मॉडर्न दही शक्कर है, प्रोटीन पाउडर मिक्स विद शुगर फ्री। क्या बात है, मेरे फिटनेस गुरु है, लो। नाइस, चल अब जल्दी निकलना भी है। मैं इतनी जल्दी आके क्या करूंगी, तू जा मैं बाद में आती हूँ। है पागल, साथ चलना। जीत मैं बाद में आ जाऊंगी, तू जा। ठीक है, टाइम से आ जाइयो, लेट होने की आदत तेरी है। ये भी ठीक है, बाई चांस अगर मैं लेट हो जाऊँ ना, जरा दो चार राउंड संभाल लियो मिक्की के साथ,
वो जैसे कॉलेज में करती थी। जीत सलूजा प्रेजेंट सर। हेलो, क्या हो गया, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, तू लेट हो रहा है ना, तू जा, ऑल द बेस्ट। बेबे विजय भव। विजय भव, वाह पिता माँ, सॉरी सॉरी बेबे माँ। बेबे यार आप चलते तो मुझे अच्छा लगता। ओए रहन दे पुत्र, तेनु किसी ने झूठ मूठ का भी हाथ उठाना है ना तो मैं आके ना उदा नहीं पुत्र, मैं ना मारपीट देख नहीं सकती, बस तू जीत गया ना खुश रह, शाबाश। ओए मेरे चैंपियन, ओए बस यार, ऑल द बेस्ट। आप तो आ रहे हो ना, आप लोगों का कुछ और प्लान है? वो क्या है ना जीत, वो तेरी भाभी के साथ ना बाहर डिनर पर जाने का प्रोग्राम बनाया, अब अगर इसे नहीं लेके गया तो तू तो जानता ही, तो जितने घुसे तू उसे बाहर रिंग में नहीं मारेगा ना, उसे कई ज्यादा मुझे यहाँ पर मार देगी। डोंट वरी भाभी, भैया आज आपको डिनर पे ही लेके जाने वाले हैं। नहीं नहीं जीत, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मैं तेरे भैया से कह रही थी कि आज तेरे मैच खेलने की खुशी में डिनर करते हैं, कल मैच जीतने की खुशी में। परफेक्ट भाभी, मैं तो कह रहा हूँ आज जाते ही आप कल के लिए भी टेल बुक करा देना, क्योंकि मैच तो मैं ही जीतने वाला हूँ। डन। बेस्ट ऑफ लक चाचू। माँ। पुत्र। तेरी मेहनत रंग लाएगी और मुझे पूरा विश्वास तू ही जीत कर आएगा। किसको ढूंढ रहा है? पापा को? बेटा वो जरा आज कुछ काम से बिजी थे, पर तू चिंता मत कर, तेरे पापा का आशीर्वाद। पापा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है, मतलब ये 70s का डायलॉग पुराना ही नहीं हो रहा, आज तक हिट है। चलो कोई नहीं यार, नहीं तो नाश्ता ही। तैयारी हो गई तेरी? जी पापा। जीत क्या आना? ठीक है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.